साथियों, आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक जय जवान अभियान चलाया, युवा शक्ति की हक के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनके माता पिता किसानों और मजदूरों की मजबूती के लिए यह अभियान। साथियों, भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले एक अग्निपथ करके योजना शुरू की। कोविड के बाद में उसके अंदर कई युवा साथियों के भविष्य को बर्बाद करने का काम उन लोगों ने किया है। अपन किसान परिवार के लोग जो आते हैं, हर गांव के अंदर सैकड़ों युवा साथी आर्मी की तैयारी करते थे, उनके सपनों की हत्या कर दी। उन युवा साथियों के लिए, उन किसान परिवार के लोगों के लिए मैं आज बड़े भाई वरुण चौधरी जी के साथ एनएसयूआई का दामन मैंने थामा है। साथियों, मैं जब भी किसान और जवान को, जब मेरी जरूरत हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पड़ी है, तो हमेशा मैं उस जगह पहुंचा हूं। उस लड़ाई को मैंने मजबूती से लड़ा है। आज आप सब लोगों का आशीर्वाद लेके बड़े भाई वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में सड़कों पे मेरे युवा साथियों के सुनहरे भविष्य के लिए संघर्ष करने के लिए मैं साथियों आज तैयार हूं। मैं बड़ी विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, आप सब लोगों ने मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद रखा। साथियों, अपन उस समय भी कोविड जैसे काल के अंदर उन भाई बहनों का जो गांव ढाणी से आते थे, और उस राजस्थान की राजधानी में उन लोगों को कोई संभालने वाला, उन लोगों की मदद करने वाला नहीं होता था, तब अपन सब लोगों ने अपना धर्म, अपना फर्ज निभाते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया। उनकी शिक्षा के आधार को मजबूत करने का कार्य अपन सब लोगों ने मिलकर किया। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों के आशीर्वाद से बड़े भाई वरुण जी को बताना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर ये शुरुआत है, हम पूरी जी जान लगा देंगे, युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्यों साथियों? अन्याय नहीं होने देंगे। यही जोश आपका हमेशा बना रहे। साथियों, आप लोगों का हौसला और विश्वास ही मेरी ताकत है। आप सब लोग इसी तरीके से हमेशा प्यार और आशीर्वाद रखोगे तो ये तय बात है, मैं हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा, चाहे किसी भी जगह रहूं। मैं आज इस संगठन का हिस्सा बनने जा रहा हूं, मेरे लिए ये नई दुनिया है। मैं संगठन के साथ मजबूती से कंधा मिला के काम करूंगा हमेशा। और मैं ये भी चाहता हूं आप सब मेरे युवा साथी इस बात को समझे, किस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इस बात को आज अपने को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपन लोगों को बरगलाने के लिए, किसान के संघर्ष की हत्या करने के लिए हर रोज सोशल मीडिया पर नए मीम्स और ऐसे रील्स अपन लोगों के सामने लाते हैं कि अपन भावुक होके उस किसान के संघर्ष को भूलते जा रहे हैं। अपन सब युवा साथियों को मिलके अब इस नई मुहिम का हिस्सा बनके किसान और युवा साथियों की लड़ाई को मजबूती से साथियों लड़ना है।